दोस्तों, तो आज मैं आप सभी के लिए सबकी फेवरेट और हाँ, अब जो नॉनवेज नहीं खा रहे हैं सावन में, तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आज मैंने बनाया है स्पेशल पनीर बटर मसाला, जो कि बहुत यमी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। मतलब बाहर जाने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप घर में ही इतना टेस्टी टेस्टी बना लोगे। और जो प्योर वेजिटेरियन है मेरी तरह, उनको तो वैसे ही बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए तो घर ही उनका रेस्टोरेंट है। तो और मैं एक बात आपको बताने वाली हूँ कि जो ये कैप्सिकम है, आप उसको बहुत इजी तरीके से काट सकते हो बिना कुछ वेस्ट किए हुए। आपको सिंपली क्या करना है, जो उसको ऊपर का जो डंडा होता है ना, उसे निकाल के और जो बीचों बीच उसका पॉइंट रहता है ना, उसे ज़ोर से प्रेस करना है और जो ये एकदम से नीचे चला जाएगा। मतलब जो उसके अंदर के सीड्स है ना, वो टूट जाएगा और आप इजीली इसे कट कर सकते हो। या तो इसमें जो पार्टीशन बने हैं चार वाले, चार हिस्से जो बॉक्सेस बने हैं, आप उसके शेप में काट सकते हो, नहीं तो आप जैसे भी काट सकते हो। बस ये कि ऊपर से आपको हल्का सा प्रेस करना है और आप देख सकते हो कितना ईजीली कट गया है और जितने भी इसके सीड्स थे वो अलग हो गए। तो एक बार फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसका डंडा तोड़ा और यहाँ पर मैंने इसके बीचों बीच में ज़ोर से प्रेस किया और ये टड़ांग टूट गया, देखा। और इतना ईजी है सच में, ये बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। और इसको भी मैंने यूट्यूब में ही देखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और आप देख सकते हो कि इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया था और धो दिया था सबसे पहले, तो क्योंकि जब हम मार्केट से कुछ भी फ्रेश सब्जियां फ्रूट्स लेके आते तो उसे धोना बहुत ज़रूरी है। तो इसे हम मतलब थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट करेंगे, जैसे कि आप पनीर चिली में बनाते हो वैसे ही इसे कट कर लेना है। तो ये मेरा कट होके बिल्कुल रेडी था। और अब बारी आती है इसमें प्याज मिलाने की। तो जी हाँ, आप इसमें वैसे तो ये प्याज और ये आप ज़रूर मिलाइए इसमें, क्योंकि इसी से बहुत ज़्यादा फ्लेवर भी आता है इसका। और मैंने प्याज के चार टुकड़े कर लिए थे और उसको क्या करना है ना, जो इसके जितने भी पार्ट्स है वो निकाल लेने हैं आपको एक एक करते हुए। और यही प्रोसेस जो होता है ना, मुझे बहुत बोरिंग लगता है। मतलब होता ही नहीं है, प्याज टूट जाते हैं, ये बहुत टाइट लगता है मेरे को। बट आपको चाहे जितना भी आप काम चोरी करें, लेकिन ये प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि इसका मैंने एक एक करके इसे निकालना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर मैंने सारे प्याज को ऐसे कट कर लिया था और उसे एक साइड में रख दिया था। और अब बारी आती है पनीर की। तो ये थोड़ा बचा हुआ पनीर था, जो कि इससे पहले हमने पनीर की भुर्जी बना के खा ली थी, तो इतना बचा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका पनीर बटर मसाला बना के खाया जाए, जो कि बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल चटपटा सा बनता है। और आप देख सकते हो कि इसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर ली थी। आप कोई भी शेप दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पे क्यूब्स में कट किया है इसको। और जितने बड़े आपको इसके पीसेस चाहिए आप उतना ही रख सकते हो। तो मैंने इसका पीस जो है मैंने मीडियम रखा है, और ये आपको थोड़ा कम ही लग रहा होगा, क्योंकि हम फैमिली मेम्बर्स थोड़े कम हैं, तो हम तीनों के लिए इनफ था। तो उसके बाद इसे मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे दही लिया है। मैंने कम से कम 3 टेबल स्पून लिया है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे मसाला ऐड किए हैं, और जो और साथ ही मैंने इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाला था, और चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट भी डाला था। और इसको अच्छे से मिला देंगे। और इस पोर्शन में आप चाहो तो इसमें धनिया भी मिला सकते, लेकिन मैंने बाद में ऐड किया। और आप इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, और इसको भी मैंने अच्छे से मिला दिया है। और बेसन आपको ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि फिर उसमें ना ज़्यादा बेसन बेसन मतलब पकौड़ी जैसा लगने लगेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो बेसन है आप इसमें ज़्यादा ना मिलाएं। तो इसे अच्छे से आप पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद इसमें गरम गरम जो सरसों का तेल है वो डालिएगा, और ध्यान रखिए कि सरसों का तेल ज़्यादा गर्म ना हो। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो आपका जो दही है वो फट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो हमने सब्जियाँ काटी थी और पनीर काटा था, उसे भी हमने यहाँ पे डाल दिया है इसे मैरिनेट करने के लिए। और ये सेम वही मैरिनेशन है जो कि आप पनीर टिक्का में बनाते हो, सेम वैसा ही प्रोसेस है।
अभी फ़िलहाल तो इसका वही सेम प्रोसेस है, तो आप इसे अच्छे से मिला लीजिए। और हाँ, ध्यान रखिए कि आप जब मिलाएंगे तो आप धीरे धीरे चम्मच हिलाना, धीरे धीरे हाथों से करना, क्योंकि जो आपका पनीर है वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है तो वो टूटने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो फूड कलर था रेड कलर, तो मुझे कम लग रहा था, तो मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च थोड़ा और मिला दिया, ताकि इसका कलर थोड़ा अच्छा है, दिख रहा है ना आपको, थोड़ा रेड रेड सा जो मार्केट में मिलता है, बिल्कुल रेड बटर पनीर बटर मसाला बिल्कुल वैसा ही मेरे को चाहिए था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और ज़्यादा नहीं डालेंगे अभी हम, क्योंकि हमें बाद में भी डालना है, इसलिए हमने थोड़ा सा ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और आप चाहो तो इसमें आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हो, जो कि डालते हैं, बट मैं नहीं डालती, क्योंकि बाद में जब हम सब्ज़ी इसका बनाते हैं तो ऊपर से भी डालना पड़ता है, तब मैं अभी नहीं डालती, बाद में ही डालती हूँ। तो अब बारी आती है इसे चारकोल फ्लेवर देने की। तो यहाँ पर मैंने कटोरी दे दी है, और यहाँ पर मैंने चारकोल रख दिया था गर्मा गर्म, ऊपर से मैंने तेल या फिर आप बटर घी कुछ भी यूज़ कर सकते हो, और इसको मैंने कम से कम 25 मिनट तक इसे फ्लेवर के लिए मैंने रख दिया था। और यहाँ पर 25 मिनट हो गए थे, और इसका जैसे ही मैंने ढक्कन खोला, सच में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। मतलब जो सबसे ज़्यादा मेन प्रोसेस होता है ना इसका, इंग्रेडिएंट्स का, वो इसी के मैरिनेशन में होता है। अगर आप वो अच्छे से नहीं करोगे तो आपका जो सब्ज़ी है पनीर बटर मसाला, वो अच्छा टेस्ट नहीं करेगा, मतलब टिपिकल वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक का कढ़ाई लिया है, और उसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाला है, अभी फ़िलहाल मैं तेल यूज़ कर रही हूँ इसे फ्राई करने के लिए, और इसमें जितना भी हमारा ये मसाला था वो डाल देना है। और इसे ना जब आप इसे बनाओ तो इसे हमें मतलब पकाना नहीं है, मतलब प्रॉपरली कुक नहीं करना है, इसे हमें थोड़ा कच्चा कच्चा ही रखना है। तो आप इसका जो फ्लेम है वो हाई ही रखिए, लेकिन हाई के साथ साथ आप इसे चलाना ना भूलिए, नहीं तो आपका सारा जल जाएगा, फिर आप बोलोगे। तो आपको इसे ध्यान देना है बस हाई फ्लेम में, इसलिए कि ये मतलब हल्का सा कुक हो जाए और ये थोड़ा सा थिक हो जाए, बट ये कि पके ना, क्योंकि हमें इसका बाद में अच्छे से सब्जी बनाना है, तो उसमें ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो बस हमें सिंपली इसको गाढ़ा करना है। तो आप देख सकते हो कि ये कितना गाढ़ा हो चुका है अभी, और अगर आप चाहो तो आप ऐसे ही इसको भी खा सकते हो, स्टार्टर में रख सकते हो, या फिर जब आप रोल बनाओ तो आप इस रोल में भी यही इसका फीलिंग रहता है, तो आप रोल भी बना सकते हो ऐसे ही। तो यहाँ पर मेरा ये रेडी था, तो मैंने इसे अलग से निकाल दिया था प्लेट में। उसके बाद मैंने वही कढ़ाई ली है, तो बार बार कढ़ाई गंदा क्यों करना, क्योंकि धोना फिर आप ही को पड़ेगा। और उसी कढ़ाई में तेल था, तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप के बराबर मैंने बटर लिया है। बटर थोड़ा ज़्यादा ही लीजिए, क्योंकि इसमें बटर का खुशबू फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, और मेन इसका बटर ही है, तो वो डाल लीजिए। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिया था, उसे बारीक कट करके डाला है इसमें। और आप प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करिएगा, बस हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करिएगा। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि ये मेरा जो प्याज था वो गोल्डन फ्राई हो चुका था। तो अब बारी आती है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मिलाने की, और लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसी समय मिलाएंगे, क्योंकि लहसुन अदरक को भी हमें पकाना होता है। तो 1 टीस्पून तब डाला था, 1 टीस्पून मतलब लगभग ये 1 टेबल स्पून के बराबर ही हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट हो चुका था। और इसे भी हम थोड़ी देर भूनने के बाद हमने इसमें यहाँ पे टमाटर डाला है, और टमाटर भी मैंने 2 मीडियम साइज़ के ही लिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि टमाटर के भाव कितने बढ़ रहे हैं। तो वैसे भी इसमें मेरे को सिर्फ 2 मीडियम टमाटर ही चाहिए था, अगर आपका छोटे छोटे टमाटर है तो आप बड़ा भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ मसाले डाले हैं थोड़े, जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून यहाँ पर नमक, हल्दी, और यहाँ पर मैंने कश्मीरी मिर्च, और साथ ही मैंने धनिया ज़ीरा का पाउडर डाला है। और इससे पहले कि आप इसमें मसाले डालें, और ये ध्यान रखना कि आप पहले मैरिनेशन में भी मसाले मिला चुके हो, तब आप थोड़ा थोड़ा ही डालना। तो मैंने यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून का ही यूज़ किया है, अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो आप डाल सकते हो दोबारा से।
तो उसके बाद ये मसाला मेरा पक के रेडी था और ये थोड़ा सॉफ्ट हो चुका था। तो इस समय मसाला आपको अच्छे से बनाना है और ये मेरा अच्छे से पक चुका था। तो अब बारी आती है इसे ग्राइंडर में पीसने की। तो यहाँ पर बट उससे पहले आप अपने मसालों को थोड़ा ठंडा कर लीजिए, रूम टेम्परेचर में डाल लीजिए, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक स्मूथ पेस्ट बन चुका था। और जब अगर आपको लगे कि इसमें जो पीसने के बाद कलर ऑरेंज ऑरेंज आया है, तो आप इसमें हल्का सा या फिर फूड कलर मिला लीजिए, या फिर आप जो कश्मीरी मिर्च है वो थोड़ा ज़्यादा मिला लीजिए, क्योंकि हमें इसका जो बटर पनीर जैसा होता है वैसा नहीं चाहिए, हमें इसका टेक्सचर पनीर बटर मसाला का ही चाहिए, जिसका टेक्सचर होता है रेड रेड, मतलब कलर जो होता है रेड रेड सा होता है वैसा सा चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी हमारा एक्स्ट्रा इसमें मसाला लगा था उस ग्राइंडर में, तो उसे भी हम पानी से अच्छे से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है। तो उसी के साथ मैंने यहाँ पर अब इसमें डाला है, मैंने कसूरी मेथी डाली है और कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, बट आप इतना ज़्यादा भी मत डाल दीजिए, क्योंकि कहीं वो आपके जो रेसिपी है उसको ओवरपावर करे, क्योंकि कसूरी मेथी का जो खुशबू है बहुत स्ट्रांग होता है, तो आप ठीक ठाक ही उसे डालिए। तो अब बारी आती है इसे ढक्कन लगा के कुछ देर पकने की। तो 10 मिनट के बाद जब मैंने देखा तो मेरा मसाला जो थोड़ा थोड़ा पकने लगा था, हम इसे प्रॉपर पका हुआ तब मानेंगे जब ये अपना सारा तेल छोड़ देगा। तो अभी हमें इसे पकाते ही रहना है जब तक कि ये अपना जो ऑयल था वो छोड़े नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसे ढक के 10 मिनट के लिए फिर रख दिया था। 10 मिनट के बाद जब मैंने देखा तो ये इसने अपना ऑयल रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया था, और हमें इसे अच्छे से चलाते रहना है ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे से जल ना जाए। तो अब इसी स्टेज में हम जो हमारा मतलब मसाला था वो हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर वाला, और जितने भी इस प्लेट में एक्सेस ऑयल लगा है उसे स्पैचुला की मदद से सब निकाल लेंगे। देखा कितना प्लेट मैंने बिल्कुल चमका दिया तो हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, और आप देख सकते हो इसका कलर बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है, मतलब कि ढाबे में जैसा मिलता है वैसा ही लग रहा है। और अभी भी ये रेडी नहीं है अच्छे तरीके से, तो इसे हम 10-15 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख देंगे। उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतने हिसाब से आप इसमें पानी डालिएगा, और अगर आपको ऐसे सूखा सूखा खाना है तो आप इसमें पानी ना डालिए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे 10 मिनट के लिए फिर से लिड लगा दिया था ढक के पकने के लिए, और 10 मिनट के जब बाद मैंने देखा तो मैं बता नहीं सकती कि कितना मज़ेदार लग रहा था, कितना टेम्पटिंग लग रहा था सच में। अगर आप इस डिश को अपने घर में खिलाएंगे या फिर अपने मेहमानों को खिलाएंगे तो सच में आपके मेहमान ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरा मसाला था बिल्कुल रेडी हो गया था, तो ऊपर से मैंने यहाँ पे कटे हुए जो हरी मिर्च थी वो डाला, और बारीक कटा हुआ मैंने लच्छेदार जो अदरक होता है उसे डाला, क्योंकि अदरक का जो फ्लेवर आता है ना मुँह में बहुत अच्छा लगता है। और जो ऊपर से जो मैंने हरी मिर्च काट के डाली थी उससे थोड़ा तीखापन आएगा और चटपटा बनता है। और साथ ही मैंने ऊपर से ये डाल दिया था इसमें गार्निश के लिए धनिया, और उसके बाद आप देख सकते हो कितना मज़ेदार लग रहा है, और आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल कितना टेस्टी लग रहा है। आप चाहो तो इसे लच्छे पराठे के साथ खा सकते हो, वैसे तो जो पनीर बटर मसाला है वो लच्छे पराठे के साथ ही खाया जाता है, अगर आप नान के साथ भी खा सकते हो, बट मैंने यहाँ पर लच्छा पराठा नहीं बनाया था, मैंने यहाँ पर सिंपली राइस के साथ खाया था। सच में राइस के साथ भी ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप देख सकते हो कितना मज़ेदार लग रहा है, तो जल्दी से बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर बाय।